लव मैरिज सही या गलत, एक बार ये वीडियो जरूर देखें। कितना आसान हो गया है ना आजकल लव मैरिज करना। 18 प्लस का प्रूफ लाओ, कोर्ट में जाओ, 2-3 हजार वकील को दो, बस हो गई शादी। पर आगे क्या, 5 दिन थोड़ा सैड और डरे डरे रहेंगे, अगले 5 दिन खुश रहेंगे, अगले 5 दिन पैसे की तलाश में भटकेंगे, नौकरी मिल भी जाएगी 10-15 हजार की, लेकिन अब क्या, अब सब ठीक हो गया क्या? एक ऐसा घर यहाँ पर ना खुशी है ना कोई दुख बांटने वाला, एक ऐसा घर जहाँ पर सिर्फ घुटन होती है, सोच सोच कर दिमाग खराब हो जाता है, फिर दोबारा घर जाने को मन करता है, लेकिन कैसे जाएं? कितनी शर्म की बात है ना, अपने 2-3 साल के प्यार के सामने अपने पिता की इज्जत, माँ का प्यार, भाई बहन की बेइज्जती, किसी भी चीज का ख्याल नहीं होता और बस चल पड़ते हैं अपना घर बसाने। नहीं, अब आएगी याद घर की, परिवार की, अपने बिस्तर की, अपने पड़ोसियों की, अपने दोस्तों की और अपनी माँ की, जिसका रो रो के बुरा हाल है, उस पिता की जिसने उस लड़की की शादी के लिए एक एक रुपया बचाया था, लेकिन वो लड़की किसी और को अपना बना बैठी। फिर रोज की लड़ाई झगड़े, इनसे परेशान होकर एक ही रास्ता बचता है, खुदकुशी का, एक ऐसी मौत जो अपने साथ दो हंसते खेलते परिवारों को जीते जी मार डालती है। तो मेरे भाई मेरी बहन, प्लीज एक बार लव मैरिज करने से पहले पीछे मुड़कर देख लेना, आप अपने पीछे सैकड़ों जिंदगी बर्बाद करके चले जाते हैं। उस पड़ोस की बेटी की आजादी, उस भाई का घूमना फिरना, फिर सब बंद हो जाता है। आपका इन सब के बारे में क्या कहना है, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं और अपने उस दोस्त या उस बहन के साथ जरूर शेयर करें जो यह सब करने की सोच रहे हैं या कर चुके हैं। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।